Welcome back. Let us start our colloid topic. Okay. Now we discuss about solution and suspension. Both are completely opposite. Colloid is a kind of substance which is intermediate between them. मतलब कोलाइड क्या है? सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बीच की कड़ी है, वो उन दोनों के बीच का पार्ट है. द कोलाइड इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन. ट्रू सॉल्यूशन किसे बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर्स को. ओके, सो दिस बिकम द इंटरमीडिएट बिटवीन दीज ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन. वी नो दैट ट्रू सॉल्यूशंस, द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द ट्रू सॉल्यूशंस, वी कैन नॉट सी विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. A suspension, we know there is no need to see the particles with the help of microscope. We can directly see clearly. But about the colloid, what is happening? The particles which are present in the colloid are bigger than the true solution. True solution में जो particles होते हैं उससे थोड़े बड़े particles किसके होते हैं? Colloids के होते हैं. Best example is milk. Dude is the form of the milk is the form of the colloid. Because if you see the milk under the microscope, you will find that there are some of the particles of fats. Fat के particles हमें उस microscope के अंदर कुछ देखने के लिए मिलेंगे. अब हम उसे कैसे देख सकते हैं? Because see the milk particle, we can see the it is the form of the colloid. So that colloid is having the particles as bigger than the true solution. उसके particles इतने बड़े होते हैं कि जिसे हम microscope के अंदर देख सकते हैं. Is it clear? See, soap solution is also there, soap solution. Now we will discuss about some properties of the colloid. Colloid ki properties se pehle hum ek experiment discuss karte hain. We are making the soap solution. Soap solution if we are making, we will see that the soap solution, the particles of soap we cannot see. Okay, it looks blurry. Wo solution hume blurry dikhta hai, but hum use सेपरेट नहीं कर सकते. वी कैन नॉट सेपरेट. इफ़ वी ड्रेन दैट कम्प्लीटली थ्रू द फिल्टर, इफ़ वी ट्राई टू फिल्टर इट, वी कैन नॉट फिल्टर दैम. सॉरी, वी कैन फिल्टर दैम बट वी कैन नॉट सेपरेट द पार्ट ऑफ इट. द रेसिड्यू कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम इट. इज इट क्लियर? वो व्हाई डज इट सो? बिकॉज इट द पार्टिकल्स इज कम्प्लीटली डिजॉल्व इन इट. वो जो पार्टिकल होते हैं सोप सोल्यूशन के जो हमने प्रिपेयर किए हैं, वो पूरे डिजॉल्व हो जाते हैं. और डिजोल्व होने के बाद में इफ़ वी सी थ्रू, वी कैन नॉट सेपरेट इट बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस. वॉट एवर द टोटल सोल्यूशन इट इज़ देयर, इट कैन बी फिल्टर्ड. जो सोल्यूशन होता है वो पूरा का पूरा फिल्टर भी हो जाता है, कोई रेसिड्यू नहीं बचता. उसके बाद में भी हमें ये चीज़ देखने मिलती है कि इफ़ वी पास द लाइट थ्रू इट, सो इन ट्रू सोल्यूशन लाइट कैन नॉट बी स्कैटर्ड, बट इन दिस कोलाइडल इट कैन बी स्कैटर्ड. The particles, if we are trying to see under the microscope, we cannot see. Even for the colloidal also, it will be applicable. But if you make the ink solution, ink ka solution bhi prepare karo, to mein chote chote particles dikhai dete hain, aise samajh aata hai. So they are colliding. They are little bit bigger than the true solution. They also scattering. In true solution, light cannot be scattered, but in colloidal solution, light can be scattered. क्या होता है? देखो. प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? जो सॉल्यूशन है ट्रू सॉल्यूशन जैसा होता है, बट द साइज ऑफ द कोलाइडर पार्टिकल इज लिटिल मोर बिगर दैन द ट्रू सॉल्यूशन एंड लेस दैन द साइज ऑफ सस्पेंशन. सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का जो पार्ट है वो कोलाइडर है, तो हम उसे होमोजीनियस कंसिडर करते हैं. वो फिल्ट्रेशन से भी सेपरेट नहीं होता. देन अनदर प्रॉपर्टीज, इट कैन नॉट बी सी विद द माइक्रोस्कोप. इट इज़ अ स्टेबल, वो स्टेबल सब्सटेंस है. ये सारी प्रॉपर्टीज जो हमें दिखाई दे रही है, दिस ऑल आर सेम एज पर द सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? बट वन प्रॉपर्टी इज डिफरेंट, दैट इफ वी टेक दैट सॉल्यूशन, इफ यू टेक द ट्रू सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन इन अ डार्क रूम एंड by using the torch try to pass the light through that solution, you cannot see the light passing through that solution. Why does it so? Because the particles which are present in the sugar or salt solution, in true solution they are very very small. But if you take the soap solution, ink solution, or if you take the milk solution, so you will see that if you pass the light with the help of the torch, the light is passing through it and they are scattering. They are reflecting in our eyes, and when they are reflecting in our eyes, we are able to see the light is passing through them.
हमें जब वो लाइट हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट करती है कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो वो लाइट पास होके हमें रिफ्लेक्ट कर रही है, इसका मतलब उसमें जो पार्टिकल्स है वो हम समझ पा रहे हैं. दो इट्स हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन एक्सेप्ट वन, द लाइट इज स्कैटरिंग एंड दे आर अलाउइंग टू पास द लाइट थ्रू द सॉल्यूशन, दे आर इन कोलाइडल. बट व्हेन दे आर नॉट अलाउइंग द लाइट पास थ्रू देम, दे आर द ट्रू सॉल्यूशन. ये सबसे बड़ा एक डिफरेंस है. दो इट इज़ शोइंग ऑल द होमोजीनियस मिक्सचर प्रॉपर्टीज, बट इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ हेटरोजीनियस. इट इज़ क्लियर. सो कोलाइडल इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सस्पेंशन. नाउ सी, देयर आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशंस आर देयर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स. फर्स्ट इज सोल. व्हाट डू यू मीन बाय द सोल? सोल इज द टाइनी पार्टिकल. इट्स टाइनी पार्टिकल आर कन्वर्टेड इन सॉलिड फॉर्म. ये देखो, वॉट एवर आई रिटर्न हियर फर्स्ट, सॉलिड लिक्विड इन इट इज डिस्पर्स पार्टिकल पार्ट. डिस्पर्स पार्टिकल मतलब ये सोल्यूट का पार्ट है, ये सारे सोल्यूट है. एंड इन विच दे आर गोइंग टू, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम. दीज ऑल आर सॉल्वेंट. ये जो बाद में आफ्टर द टू वॉट एवर इट इज रिटर्न देयर, दे ऑल आर सॉल्वेंट. सो the soul in which the solid, it is a very tiny particle which are going to mixing with the liquid, they are forming the soul, which is the example ink and soap. Hum pani lenge, phenyl to nahi bol sakte, neel hota hai, kapdon ko neel lagate hain, pani mein do teen drop hum neel ke dalte hain, kya hota hai, you can see the color change of that water, but wo ek do drop hi uspe jate hain, to particles hame dikhai to nahi dete, but their tiny particles are mixing with that liquid. Is it clear? Another is solid soul. Solid soul, this is the dispersed solute, this is the solute, and they are solid and solid when they are mixing. Gemstone, nag banate hain anguthi ke like this. So this is the gemstone, which is the mixture, which is the colloidal form of solid to solid. देखो, स्टोन में से भी लाइट पास होती है, हमें दिखाई देती है. सो कैन बी कंसिडर दैट इट इज़ अ सोल्यूशन और सस्पेंशन? नो, इट इज़ हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रू सोल्यूशन, बट एक्सेप्टिंग द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू दैट इट शुड बी कंसिडर्ड एज अ हेटरोजेनस. एरोसोल, सॉलिड और लिक्विड, व्हेन द सॉलिड इज कन्वर्टिंग इन टू द गैसेज, व्हेन द सॉलिड इज मिक्सिंग इन द गैसेज, दे आर फॉर्मिंग द स्मोक, एंड व्हेन द लिक्विड इज मिक्सिंग विद द गैसेज, दे आर फॉर्मिंग द फॉग और हेयर स्प्रे. हम लोग हेयर स्प्रे लगाते हैं ऐसे. दे आर इन अ सॉलिड, वेन दे आर मिक्सिंग इन अ लिक्विड, दे आर फॉर्मिंग. ओके, टोटली एयर में मिक्स हो जाता है एट टाइम प्रेजेंट. इमल्शन, वॉट डू यू मीन बाय इमल्शन? वेन द वन लिक्विड इज मिक्सिंग विद द अनादर लिक्विड, सो वॉट डज इट फॉर्मिंग? मिल्क एंड बटर. एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में, दूध को पानी में मिलाते हैं, मिक्स हो जाता है, दैट इज द पार्ट ऑफ द इमल्शन. फोम, फोम क्या होता है? यू नो दैट शेविंग क्रीम जेंट्स आर यूजिंग, दैट इज द दैट स्प्रेइंग फोम, इट इज अ फोम. वन पार्ट इज गैस. गैस को किस में मिक्स करते हैं? लिक्विड में मिक्स करते हैं, देन ओनली दे आर गेटिंग द फोम. वन बेस्ट एग्जाम्पल इज द फायर एक्सटिंग्विशर. अनादर इज सॉलिड फोम. गैस व्हेन मिक्सिंग विद द सॉलिड, यू नो द वी रिसेंटली स्टडीड अबाउट द बेकिंग सोडा प्रिपरेशन ऑफ द ब्रेड एंड केक्स. So you know that how that carbon dioxide are trapped in that solution, and how we are preparing the bread after trapping all carbon dioxide gas in it by adding the baking soda and baking powder. So this smog and bread we are using. Gel kaise banta hai? Gel is the semi-solid substance. Na wo solid rehta hai, na wo liquid rehta hai. It is semi-solid rehta hai. When the solid is added into the liquid, so the example of them is hair gel or gelatin. So these are the classifications of colloid. Some of the examples of colloids are there in your reference book chart. It is written there. So go through that chart. That chart will help you to write down the one mark question and answer. Some of the fill in the blanks are also there, and find out the answer of this one word answer should be there. All these type of questions, it can be asked based on that chart. So you go through it, write down it. No need to write down all these points. For this classification of colloid, if you directly draw the chart also, that will also work. Is it clear? So along with this, we completed our colloidal. In the next session, we will study with the next topics. Till then, bye.